हेलो फ्रेंड्स, आज जानते हैं पंखे के स्टेटर के बारे में कि पंखे के स्टेटर को बांधा कैसे जाता है, वो जलता क्यों है और उसके स्पीड कम होने का रीज़न। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपके जो फ़ैन है उसमें अगर स्पीड कम हो जाती है तो उसका रीज़न है कैपेसिटर। आप कैपेसिटर बदल देंगे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सेकंड रीज़न आता है कि आपका फ़ैन रेगुलेटर के स्टेप वाइज नहीं चलता, कि अगर आप फैन के रेगुलेटर को एक पर चलाते हैं तो वो सही तरह से घूमता है, दो पर वो नहीं चलता, तीन पर फास्ट घूमता है, चार पर वो नहीं घूमता, पांच पर फुल घूमता है, तो मतलब कि अनइवन घूमता है, पांच पर फुल घूमता है या फिर कोई भी स्टेप पे नहीं घूमता है। उस रीज़न में आपको अपना रेगुलेटर बदल देना है। उसके अलावा दूसरी बात कि अगर आपका पंखा जल जाता है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका फ़ैन अगर जल गया तो वो रिवर्स घूमने लगेगा उल्टी दिशा में, उसके बाद घूमना बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमको पंखे को बंधवाना पड़ता है, उसकी कॉइल को रिवाइंडिंग करवाना पड़ता है, जिसे रिवाइंडिंग कहते हैं। तो उस टाइम पे हम जो पूरी कॉइल है उसको निकाल के इसमें नई कॉइल को मशीन से इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद उसमें से चार वायर को निकालते हैं, जिसमें दो स्टार्टिंग वायर है ये, और दो रनिंग वायर। तो जो अंदर वाली कॉइल है वो स्टार्टिंग कॉइल है और जो बाहर वाली कॉइल है वो रनिंग कॉइल है। उसमें जो रनिंग कॉइल है वो पंखे को रनिंग में स्पीड देने का काम करती है, और स्टार्टिंग कॉइल उसमें पंखे को स्टार्टिंग में स्टार्ट करते समय उसको घुमाने का काम करती है। चलिए फ्रेंड्स, पंखे को कैसे बांधा जाता है मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ। पंखे की स्टेटर को बांधने के लिए ये मशीन आता है, जिसे हमने इसके साथ अटैच कर दिया। इसमें अलग अलग डिफरेंट साइज़ की डाई आती है, तो जो डाई जिस स्लॉट के हिसाब से सेट होती है उस हिसाब से मशीन में अटैच कर दिया जाता है। बाद में इस मशीन में स्लॉट के हिसाब से यहाँ पर अटैच कर देते हैं। बाद में ये काउंटर मशीन में जो स्टैम्पिंग की साइज़ और जो स्लॉट की साइज़ है उस हिसाब से इसमें आटे डाले जाते हैं। उसके बाद एक आटा सीधा डालते, उसके बाद रिवर्स डालते, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, मतलब कि एक आटा हम यहाँ पर सीधा लगाएंगे, दूसरा आटा उससे उल्टा लगाएंगे, तीसरा सीधा, चौथा उल्टा। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो दूसरा हमें इस कॉइल से ऊपर की तरफ मिल जाता है और अंदर की तरफ ही ऐसे सेम होता है। जैसे आप देख रहे हैं मशीन में, यहाँ पर इसके साथ कॉपर का वायर अटैच होता है और ये यहाँ से यहाँ तक आता है डाई में। यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो फेज है उसको हम ये दोनों वायर के साथ कनेक्टर में दे देंगे, और जो हमारा तीसरा न्यूट्रल बचा उसको हम इसके साथ देंगे। अगर पंखा सही घुमा तो बराबर है, वरना हम कोई एक वायर को स्टार्टिंग जो कॉमन किया हमने उसके साथ दे देंगे। मतलब कि समझ लीजिए, कैपेसिटर के साथ कोई भी एक वायर अटैच है, सफ़ेद रेड या फिर वाइट, तो कोई भी रेड वायर को उठा के इस रेड वायर में अटैच कर लेंगे और ये वाले का इसमें डाल देंगे, दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, तो उसके हिसाब से पंखा हमारा सीधा घूमने लगेगा। अगर हमने कनेक्शन को वापस उल्टा कर दिया तो पंखा उल्टा घूमने लगेगा।